काउंसिल के सभी मेरे अधिकारीगण साथीगण सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इस मौके पर मैं माननीय मंत्री महोदय का, अनुराग ठाकुर जी का विशेष रूप से स्वागत भी करती हूँ। और आपने जो पहल जारी की है उसके लिए निश्चित तौर पर आने वाले समय में राजस्थान को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इसके माध्यम से हमारा खेल ऊपर जाएगा। और पिछले दिनों खेलो इंडिया टूर्नामेंट में राजस्थान ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने जो तालिका में जो स्थान था वो उसमें काफ़ी सुधार किया था। दूसरी तरफ मैं अगर राजस्थान सरकार की बात करूँ तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जिनको गिनाना इस मंच पे मैं कहूँगी कि काफ़ी समय लगेगा। लेकिन खेलों के लिए अगर मुझे कुछ प्रभावित करता है तो दो तीन चीज़ें ऐसी थी इस प्रदेश के लिए, एक तो निरोगी काया, दूसरा महंगाई राहत और तीसरा हैप्पीनेस इंडेक्स। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए तो माननीय मंत्री महोदय मैं राजस्थान की तरफ आपका ध्यान अवगत कराना चाहूँगी कि 2022 में हमने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया और उसके माध्यम से 30 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया और राजस्थान के लोगों में उत्साह बढ़ा और मांग बढ़ी। उसी तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इन खेलों को हर साल कराने की घोषणा की और जो 40 करोड़ का बजट था उसे 150 करोड़ में किया गया। और इस वर्ष जो हमारे अभी हाल ही में चल रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक, इसके माध्यम से लगभग 60 लाख लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा था कि हम राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है और उसमें हम खेलों के प्रति लोगों का रवैया अच्छा हो, उसमें रुचि हो, उसमें पार्टिसिपेशन लेवल ज़्यादा बढ़े जिससे कि प्रतिभाएं, राजस्थान में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, वो प्रतिभाएं आगे बढ़े। और मैं कहना चाहूँगी कि आपसे कि इसी पिछले जो हमारे 4.5 वर्ष रहे इन वर्षों में हमने विशेष रूप से जो खेलों को आगे बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने काम किया। और अगर